Hello friends, welcome to GK4 SUCCESS. Today we are going to review the MCQ of 12th of August 2017. Subscribe कीजिए GK4 SUCCESS channel को daily current affairs updates के लिए और अगर आपको video पसंद आता है तो like कीजिए और आपको suggestion देना चाहते हैं तो मुझे comment में लिखकर बताइए. Friends, आप हमारे Facebook page और Telegram group को भी join कर सकते हैं और Facebook और Telegram पर video के notifications के अलावा मैं other important material भी आपको provide करूँगा. और फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 12th ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की थीम है यूथ बिल्डिंग पीस. और 12th ऑफ अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज Under 19 cricket Asia Cup shifted from Bengaluru to which country? Correct answer is Malaysia. Under 19 cricket Asia Cup जो कि Bengaluru में होना था, उसका venue change करके अब Malaysia हो गया है क्योंकि Pakistan Cricket Board ने objection उठाया था और अब ये होगा Malaysia में November में. According to global leader in broadband testing UCLA, which country has the fastest mobile internet in the world? Correct answer is Norway. UCLA के according fastest mobile internet की लिस्ट में Norway top पर है और second पर है Netherlands और third पर है Hungary. Which campaign is launched by Union Environment, Forest and Climate Change Minister Dr. Harshvardhan to protect elephants on the occasion of World Elephant Day? Correct answer is गज यात्रा. वर्ल्ड एलिफेंट डे के ऑकेशन पर एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने गज यात्रा कैंपेन को लॉन्च किया है. और आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं. उहुरु केन्याटा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज केन्या. उहुरु केन्याटा फिर से प्रेसिडेंट बने हैं केन्या के. और आपको ध्यान रखना है कि केन्या की कैपिटल है नैरोबी और करेंसी है शिलिंग. रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्मार्ट स्ट्रीट्स लैब? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना. रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है स्मार्ट स्ट्रीट्स लैब को हैदराबाद में वुमेन और रोड सेफ्टी के लिए. डॉक्टर रुथ पॉफ, a German doctor popularly known as which country's Mother Teresa, has recently died? Correct answer is Pakistan. Dr. Ruth Poff, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक German doctor थी, उनको पाकिस्तान में Mother Teresa के नाम से जाना जाता था. Who is appointed as the ambassador of India to the Grand Duchy Luxembourg? Correct answer is Gayatri Issar Kumar. ग्रैंड डची लग्जमबर्ग में इंडिया की एम्बेसडर बनी है गायत्री इस्सर कुमार. और आपको ध्यान रखना है कि लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी और करेंसी है यूरो. द हिंदू प्लेराइट अवार्ड 2017 इज अवार्डेड टू गिरीश खेमानी एंड अक्षत निगम फॉर विच प्ले? करेक्ट आंसर इज इन सर्च ऑफ दरिया सागर. द हिंदू प्लेराइट अवार्ड 2017 मिला है गिरीश खेमानी और अक्षत निगम को इन सर्च ऑफ दरिया सागर के लिए. याइज़राइल क्रिस्टल, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन डाइड एट 113. ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर इज इज़राइल. वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन याइज़राइल क्रिस्टल का निधन हुआ है और आपको ध्यान रखना है कि वो इज़राइल से बिलोंग करते थे. Recently, which bank has unveiled two new digital services, namely Bharat QR and BBPS? Correct answer is Canara Bank. Recently, Canara Bank ने दो नए digital service Bharat QR और BBPS को start किया है. और QR का full form है Quick Response और BBPS का full form है Bharat Bill Payment System. पर आपको ध्यान रखना है कि Canara Bank का headquarter है Bengaluru में और tagline है Together We Can. Bodybuilder Sifiso Thabete passed away recently. He was from which country? Correct answer is South Africa.
रिसेंटली बॉडी बिल्डर सिफिसो थाबेटे का निधन हुआ है और वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे. हु हैज बैग्ड फर्स्ट एवर कैसरी मीडिया अवार्ड? करेक्ट आंसर इज TJS जॉर्ज. फर्स्ट केसरी मीडिया अवार्ड मिला है TJS जॉर्ज को. और आपको ध्यान रखना है कि TJS जॉर्ज एक जर्नलिस्ट हैं. विच इंडियन अमेरिकन इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप? करेक्ट आंसर इज नील चटर्जी. US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन बनाया है इंडियन अमेरिकन नील चटर्जी को. और आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, व्हाट डज द लेटर आई डिनोट्स इन द एब्रीविएशन IMT? करेक्ट आंसर इज इंस्टेंट. आपको ध्यान रखना है कि IMT का फुल फॉर्म है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर. और आज का स्टैटिक GK का क्वेश्चन है, गंगरेल डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़. आपको ध्यान रखना है कि गंगरेल डैम छत्तीसगढ़ में है और ये डैम बना हुआ है महानदी रिवर पर और इस डैम को RS सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है. और आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड? करेक्ट आंसर इज सिंप्लेक्स. आपको ध्यान रखना है कि एक सिंगल डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन को सिंप्लेक्स कहा जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.